अब बनारस में एक और नए सफर की शुरुआत हो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं मिर्जापुर का किला देखने के लिए, जहाँ पे कालीन भैया का घर हुआ करता था। तो अभी हम लोग लखनिया दरी वाटरफॉल से चुनार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रोड मिला है, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने घने जंगल, जिसको देखकर मजा आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो वो जो शूटिंग लोकेशन है वो है मोती झील महल, जो कि यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में लगेगा 1 घंटा। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि शाम होने वाला है। तो ये जो मोती झील महल है वो एक्चुअल में चुनार में नहीं है, तो हमें जाना है बनारस में ही ये मोती झील महल पड़ता है। तो हम लोग बनारस की तरफ बढ़ रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको गूगल मैप का लोकेशन आपको भेज देंगे। वैसे आप गूगल मैप पे डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल मैप हमें बनारस की गलियों में घुमाता हुआ लेकर जा रहा है। काफ़ी देर से हम इन गलियों में घूम रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेंगे हम अपने मंजिल पर। और जगत कैसा लग रहा है? हवेली में तो नहीं गए तुम? क्यों मना कर दिया यार? क्यों मना कर दिया? मुन्ना भैया बोले नहीं जाना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्डिंग का गेट है, पर अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हम लोग अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं कहीं से अगर बिल्डिंग दिखती है तो हम लोग आपको दिखाएंगे। हमें यहाँ से थोड़ी सी बिल्डिंग दिखी है जिसे आप थोड़ा करीब से देख सकते हैं। यहाँ से खाली हाथ वापस जा रहे हैं और आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ ना आएँ क्योंकि आपको भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, पर एक रास्ता है, अगर आपको उस घर में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं तो आते जाते लोगों से अगर आप दोस्ती कर लें तो आप अंदर जा सकते हैं। मैं और जगत बनारस के किसी चौराहे पर बैठकर और इंतज़ार कर रहे हैं नवीन भाई का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बटोही बाबू पहुंच चुका हूं मणि मंदिर, ऑल थैंक्स टू नवीन भाई। ये जगत के फ्रेंड हैं जो यहां रहते हैं, भाई है, मेरे भैया अपने भैया हैं जगत के। तो कल जो है हम इनसे मिले थे तो इन्होंने बोला कि मैं आपको बनारस दर्शन कराता हूं, बहुत सारी जगहें हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की हैं वो आज मैं इनके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो हम लोग मणि मंदिर पहुँचे हैं, अभी अंदर जाएंगे देखेंगे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल तो हम लोग यहीं दरवाजे पे ही बैठे हैं, तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं मणि मंदिर के। हर हर महादेव। हर महादेव। तो ये आप देख सकते हैं मणि मंदिर का मेन गेट है। थोड़ा अंदर आने पे हमें देखने को मिलता है नंदी भगवान का एक बहुत बड़ा सा मूर्ति। दर्शन कीजिए महादेव के महाकाल रूप का। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मंदिर के प्रांगण में आपको देखने को मिलेंगे 100 से भी अधिक शिवलिंग्स, जो कि देखने में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मंदिर में शंकर भगवान के अलावा आपको और भी कई देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेगा। भगवान श्री अर्धनारीश्वर, शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। मंदिर के एकदम बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर मूर्ति। यहीं पे एक कमरा है जहाँ पे बहुत सारे व्हाइट कलर के शिवलिंग्स हैं जो कि देखने में अद्भुत लगते हैं, एकदम मार्बल से बने हुए। फिर आपको दर्शन होंगे श्री कृष्ण जी के और राधा जी के। मंदिर के दीवारों पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र मिलेंगे, स्कल्पचर्स मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है यहाँ का, मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और अभी जो है मंदिर में आरती होने वाली है, आरती के लिए अरेंजमेंट हुई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे डमरू बजाया जा रहा है, माहौल पूरा सेट है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक माहौल है यहाँ पर। आइए करीब से दिखाते हैं आपको। Thank you.
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जिंदगी एक सफर है, उसका मजा लीजिए। हर हर महादेव।